गाड़ी निकाल के फिटिंग करके हम लोग दिखता था ना, हम लोग मालूम पड़ता था ऐसा ऐसा फिटिंग है, ये ऐसा ऐसा फिटिंग है। फिर नहीं होगा, छूटेगा नहीं, वो छूटेगा ना, ना गंदा दिखता ना, ऊपर दिखता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएन प्रोडक्शन। फाइनली 4 महीने के बाद मेरा बर्गर डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है और मैं ऐसे 12 एसेसरी आपको दिखाने वाला हूं जो आपके कार को हाइटेड और लंबा और लुक एकदम बेहतरीन। खाली 16,000 में इसका पूरा एसेसरी का कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट अपना ब्रेजर गाड़ी में डोर वाइजर लग रहा है, इसका जस्ट बिल्कुल कॉस्ट है 1200। और डोर वाइजर का भी बहुत सारा बेनिफिट्स है, आप जस्ट गूगल करके देख लीजिए, ये बारिश में भी काम आता है और धूप में भी काम आता है एंड इट गिव्स अ गुड लुक आल्सो। कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लग रहा है अपना फोग लैम्प गार्निश जो क्रोम वाला है, जस्ट 500 रुपीज़ इट इज़ कॉस्टिंग। और इसमें उन लोग का डबल साइडेड टेप आता है, ये 3M से क्लियर क्लीन किया जाता है और डबल साइडेड टेप से उन लोग को स्टिक किया जाता है एंड इट स्टिक्स वेरी गुड। लेट मी सी हाउ इट लुक्स, एकदम सुपर लुक देता है इसको। थोड़ा देखिए आप, या ये पार्ट तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसको इसको बोलते हैं दे आर मार्किंग विद दे आर लाइक पेपर दे हैव, उसमें मार्किंग किया जाता है। और ये है रेयर अंडर स्पॉइलर है विच इज कॉस्टिंग 1000 रुपीज। और जो रेयर बम्पर गार्निश है विद सिल्वर कलर का, उसका कॉस्ट है 930 बिल्कुल। और इसमें आप देखिए, ये इसको ये लगाने के लिए पूरा बम्पर निकालना पड़ता है और उन लोग अभी मैं देख रहा हूँ बिकॉज डबल साइडेड टेप में ये कहीं वाइब्रेशन के कारण चुट भी सकता है। इधर गैप और उधर गैप देखो ना, द एंटायर होल इन दैट एंड आई थिंक इज गोइंग टू इस बम्पर में शायद होल करेगा क्योंकि उन लोग प्रेस करके स्क्रोइंग वगैरह करना है। तो इसके लिए ये वीडियो को आप फॉरवर्ड मत कीजिए, आप उनके सामने बैठे ये पूरा एक्सेसरीज आप फिटिंग कर सकते हो। अगर आपको बम्पर में होल नहीं चाहिए या अगर फिटिंग बिल्कुल सही चाहिए, बिकॉज दिस फेलोज दे आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन, उनमें इतना सारा कार वगैरह उन लोग फिटिंग करते हैं तो उनको टाइम नहीं है, फटाफट फिटिंग करके जाते हैं। सो दिस फेलो इज रिमूविंग ऑल द क्लिप्स फ्रॉम द दिस इज अंडर स्पॉइलर दिस, इट लुक्स वेरी गुड यू नो, बिकॉज इसमें आपको एसयूवी का लुक आ जाता है, ऐसा हाइटेड लगता है पीछे से गाड़ी। मतलब आप अभी बहुत सारे वीडियोस में इसको बोलते हैं रेंज रोवर, मिनी रेंज रोवर, फलाना वलाना, बिकॉज वॉट एवर इट इज, आई लव दिस ब्रेजा वेरी मच। एंड आप देखिए पूरा फिटिंग होने के बाद मैं आपको ये वीडियो में कैसा लगता है पूरा कार, आपको एवरी फिटिंग्स देर विल बी अ क्लिप बिहाइंड इट, सो इज गोइंग टू मार्क दिस एवरीथिंग। तो मैंने उनको बोला है मेरे को गाड़ी कल तक कैसे भी चाहिए। देखो इधर चालू हो गया, इन लोग को फ्रंट साइड कर रहे हैं, एक आदमी पीछे वाला कर रहा है, तो इट इज वेरी हरी लाइक उधर से इधर आना पड़ता है मेरे को वीडियो निकालने के लिए। ये वाला है फ्रंट अंडर स्पॉइलर है, दिस ऑल द कॉस्टिंग सेम है 1000 रुपीज है और ये भी अच्छा लगता है क्योंकि ZX है प्लस में वो व्हाइट वाला आता है, इट डजेंट गो विथ सिल्वर, सो आई हैव केप्ट इट ब्लैक एंड सिल्वर एकदम मस्त लगता है। देखो भाई साहब ने पीछे से होल मारना शुरू कर दिया बम्पर का, सो यू गोइंग टू फिट एवरीथिंग आई थिंक स्क्रू करके। आई टोल्ड हिम वेदर नॉट टू स्क्रू दैट, ही सेड बाबा डबल साइडेड टेप में तो अपना वाइब्रेशन या किधर खड्डे में वगैरह गिरेगा तो छूट जाएगा, तो आई सेड ओके स्क्रू कीजिए। इतना बम्पर तो और साइड लाइट पूरा निकालना चालू कर दिया है क्योंकि गोइंग टू फिट द स्क्रू फ्रॉम बिहाइंड दिस। आराम से निकालो, वो आगे अभी देखो कि कुछ लगा के रखा है उसने, ये क्या ना घट बैठता है, आराम से ऐसा मारा तो 10 दिन मारा तो नहीं आएगा वो। कंपनी से फिटिंग करना अच्छा है क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट,
So I did everything on the company. I told them whatever they want. इनमें भी सेम वैसा ही होता है. फिर उन लोग खोल करके उसको स्कोरिंग करते हैं. ये अंडर दिस इसको स्किड प्लेट भी बोलते हैं. और इस सामने ऊपर भी एक और एक एक्सेसरीज आने वाला है. इट इज़ कॉल्ड फ्रंट बम्पर एक्सटेंडेड दिस सिल्वर वाला. दैट इज ऑल्सो कॉस्टिंग 930. आई विल शो इन फर्दर. सो लेट देम फिक्स दिस. एक्सेसरीज तो निकला ये पूरा प्लास्टिक है. अभी फाइबर फाइबर जो मेटेरियल सब निकाला है. डेमो गाड़ी निकाल के फिटिंग करके हम लोग देखता था ना. हम लोग फिर नहीं दिया डेमो गाड़ी. मार्किंग दिया ना, वही मार्किंग हिसाब से हम लोग चलता है. नहीं तो डेमो गाड़ी देता है क्या उन लोग? मतलब एक कंपनी फिटिंग करके दिखाता है. मॉडल कंपनी गाड़ी फिटिंग करके देता है. उसको हम लोग देखते हैं हाँ ये मेटल ऐसा फिटिंग होता है, ऐसा फिटिंग होता है. ये तो फिटिंग किया ना हम लोग, उसको फिटिंग कर रहे हैं ना. तुम्हारे हिसाब से तुम लोग कर रहे हैं. कंपनी देता है लॉक, हम लोग उसको स्क्रू मारता है. इतना लॉक छूटता है वो. हाँ ये प्रेसिंग वाला लॉक. हाँ. प्रेसिंग वाला लॉक छूटता है, इसके लिए स्क्रू डाल रहे हो. इसके लिए ये अलग बैठा था लगता है ना. ये वाला अलग बैठा है उसको. वो अच्छा है, मतलब परमानेंट रहेगा. परमानेंट रहेगा, गिरेगा भी नहीं, कुछ भी होगा नहीं. उधर गए तो इधर फिटिंग होता है, इधर गए तो उधर बैठने का नहीं. हम लोग को काम रहता है ना. आपका गाड़ी के लिए हम लोग ये हो जाएगा तो हमारा उधर काम हटेगा, बाद में दूसरा कस्टमर गाली मारेगा. ये रेयर बम्पर गार्निश है सिल्वर वाला. सो ये और वो एकदम मस्त लगता है. सो इज फिटिंग ऑल द स्क्रूज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बम्पर. तो फाइनली सब होने के बाद, बम्पर वगैरह लगाने के बाद देखेंगे कैसा लगता है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ इट लुक्स, बिकॉज मेरे को कल तक कैसे भी डिलीवरी चाहिए. 4 महीना में रुका है इस गाड़ी के लिए और आई डोंट हैव एनी मोर पेशेंस. आपने अगर सब्सक्राइब बटन नहीं क्लिक किया तो नीचे बटन है यार, क्लिक कर दो. ऐसे तो ब्रेजा का अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि मैं उसको फ्लोरिंग भी करने वाला हूं. और मैंने म्यूजिक सिस्टम, एंटरटेनमेंट सिस्टम, इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी बाहर से बिठाया, क्योंकि VXI में उनका सिस्टम बहुत छोटा आता है. दैट इज 7 inches और समथिंग, एंड आई एम गोइंग टू फिट इट 9 inches. यार अब तो कमेंट करके बता दो कि कैसा लग रहा है. नेक्स्ट इज स्टेयरिंग रैप विच इज कॉस्टिंग अराउंड 400 rupees. मैंने उनको फिटिंग करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आई हैव चेंज द एंटायर स्टेयरिंग टू ZXI Plus, एंड द वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल, यू कैन हैव अ लुक. एंड ये नियॉन लाइट है और एम्बिएंट लाइट भी कहता है. दिस ऑल्सो इज कॉस्टिंग अराउंड 430 rupees, विच गिव्स अ. ये अभी लगा रहा है फेंडर गार्निश विच इज कॉस्टिंग 500 rupees, और इसमें भी एकदम बेहतरीन लुक देता है. इट जस्ट लुक्स लाइक अ रेंज रोवर व्हेन यू पिच. दिस इज अ वेरी स्मॉल, छोटा सा चीज है, मगर लुक तो एकदम सुपर्ब देता है. देखेंगे अभी ये वाला है. ये भी स्टिक करता है डबल साइडेड टेप से, टर्न बराबर देखता है. आप उधर अगर पर्सनली अगर रुक के हम लोग करवा के लेते हैं तो वी सी एग्जैक्ट लाइनिंग एंड ऑल. अभी लगाने के टाइम थोड़ा लग रहा है, थोड़ा सा क्रॉस अभी नहीं होता है. नहीं होगा.
छूटेगा नहीं वो, छूटेगा नहीं ना, गंदा दिखता है तो ऊपर दिखता है, और निकाल के दूसरा लगाओ निकले। ये विंडो फ्रेम किट क्रोम वाला है, दिस इज आल्सो कॉस्टिंग अराउंड 1700 रुपीस, और ये भी डबल साइडेड टेप से स्टिक होता है। गम ऐसा गैप ऐसा ही रहेगा। इधर एक बिल्डिंग है ना बॉर्डर पे, डोर ओपन रखने का तकलीफ तिथले काढणार का एक शॉर्ट घाल पप्पा मधी मधी खर इधर आम्ही थोडं घेऊ ना दांडर या मैंने एक थोड़ा सा गलती कर दिया है। दिस इज कॉल्ड BSM सिल्वर एंड क्रोम फिनिश, एक्चुअली ऊपर फिटिंग होता है, मैंने उन लोग को थोड़ा बीच में लगा बोला है और इट लुक्स डर्टी, फिर मैंने उन लोग को रिक्वेस्ट किया ये निकालने के लिए और दोबारा उन लोग मेरे को ऊपर की तरह से फिटिंग करके देगा। सो यू सी द फाइनली व्हेन एवरीथिंग इज रेडी आई विल शो यू द क्लिप हाउ इट लुक्स, बट आप लोग भी मैं सजेस्ट करता हूँ इसको, ये जो फर्स्ट लाइन है सिल्वर वाला जो अभी फिटिंग कर रहा है दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी ऊपर जो ब्लैक वाला है उधर लगना है। देखिए दिस लुक्स वेरी गुड, और जो प्रीवियस वाला वो मेरी गलती थी, मैं थोड़ा ज़्यादा शना बनने के लिए कोशिश कर रहा था, उसको बीच में लगाने के लिए ट्राई किया था, इट डजंट लुक नाइस, बट दिस लुक्स वेरी गुड बिकॉज ये गाड़ी को थोड़ा लंबा दिखाता है और इट लुक्स वेरी लॉन्ग कार, सो आई रिक्वेस्टेड देम एंड द नेक्स्ट डे मैं वो थोड़ा दिखा, उसमें एक कलर गया था, वो कलर गया, वो मत डालो, 2000 के ऊपर है वो कलर गया, तो मैं क्या करेगा उसको, वो अभी क्या उसको करने को नहीं होता है, तुम लोग इतना स्क्रैच काट गया हो, वो पेंट करने को अभी वारंटी के पास आओ बोलते हो, बाद में वो आदमी रहेगा कितना ट्रांसफर होगा बाद में, हो गया काम देता मैंने बोला बोलेगा ना, 8 दिन रहता है, 8 दिन में दूसरा पार्टी चेंज होता है। ये पसंद है ना, लकी पसंद है ये अनिकी क्लासिक कंपनी का, ये तो नानी कलर आने रेड आना था, नहीं रेड ना साइड अंडर बॉडी स्पॉइलर भी सेम तरीके से फिक्स होता है जैसा रियर बम्पर और फ्रंट बम्पर ने फिक्स किया है, सो इसका भी कॉस्ट अराउंड 2200 समथिंग, और ये भी स्क्रूइंग से फिटिंग होता है, दिस इज साइड बम्पर। He is doing the marking and even that looks like rather ground clearance. ये फ्रंट बम्पर एक्सटेंडेड सिल्वर 930 रुपीज है, और ये होल किया है पुश बटन से, उन लोग प्रेस करके क्लिप्स वगैरह रहते हैं उसमें फिटिंग कर रहा है, वो आगे इधर पीस आता है उसको भी होल आएगा, उसको होल आता है, वो स्टिकर है, वो स्टिकर है इधर आगे का पीस आता है उसको, नहीं नहीं वो स्क्रू पे बैठेगा स्टिकर पे बैठेगा, कौन सा आगे का पीस, आगे वो चिपका है, चिपका है, हाँ धाकटे धाकटे क्लिप घेतला दा तो मुकर देखो पर तो हाँ मंगा फुल फोर्स डालना
सेंटर इसके साथ पेपर टेम्पलेट्स आता है वे देर इज अ मार्किंग सो इन लोग वो टेम्पलेट लगा के मार्किंग करके लेते हैं फिर उसके बाद थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स टू दिस साई सर्विस दे हैव डन द ग्रेट जॉब थैंक यू गाइज